subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. So hello guys and welcome back to another vlog of Desi Auto Wala. जैसे कि आप background देख रहे हैं, आज आपके लिए लेके आ गया हूँ एक धमाकेदार वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूँ सभी कैटेगरीज के पेट अदर देन डॉग्स भी। डॉग्स की वीडियोस तो आपने कहीं देख ली होंगी, तो आज मैं आपको बहुत ही स्पेशल जो पेट्स दिखाने वाला हूँ। स्नैक्स भी रहेंगे आज की वीडियो के अंदर, इगुआनास भी रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और चलते हैं दुकान के अंदर, आपको मिलवाते हैं यहाँ के ओनर से। तो गाइस यहाँ पर हम आ चुके हैं भैया के पास। क्या नाम है भैया आपका? शुभम। तो गाइस शुभम भैया जो यहाँ के ओनर है हमारे साथ हैं। यहाँ के आपको एड्रेस, गूगल मैप्स की लोकेशन, भैया की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगी। तो शुभम भैया क्या क्या दिखाने वाले हैं हमारे सब्सक्राइबर को? आज मैं कुछ एक डॉग की ब्रीड दिखाने वाला हूँ। अच्छा। बेसिकली थोड़ा सा ठंड का मौसम है तो डॉग्स की ब्रीड कुछ ज्यादा मैं वैरायटी नहीं दिखा पाऊंगा, बाकी मिल हमारे पास सब कुछ जाता है। आपको आज कुछ एक कैट्स दिखाने वाले हैं, कुछ एक यूनिक ब्रीड जो ज्यादातर वीडियोस में हमने नहीं दिखा। आज की वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाली है, पूरी एंड तक देखना वीडियो को। डॉग्स का तो जैसे बता रहे हैं ठंड आजकल हमें भी बहुत ज्यादा लग रही है, तो पपीज को तो बहुत ज्यादा लगती है। तो डॉग्स तो दिखाएंगे, उसके अलावा आपको कैट्स भी दिखाएंगे, इगुआनास भी दिखाएंगे और काफ़ी सारी स्पेशल चीज़ें होने वाली है इस वीडियो के अंदर। तो पूरा एंड तक देखो वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं भैया वीडियो को, पहले दिखाते हैं हम डॉग्स। स्टार्ट करते हैं वीडियो को और वर्ल्ड का सबसे जो फैमिली डॉग सबसे फेमस है वो हम उससे स्टार्ट करते हैं, जो कि होता है लैब्रा। लैब्राडोर आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी, ओरिजिनल ब्रीड है 100%। आप कहीं पे भी ले जाके हमसे चेक भी करा सकते हैं। तो गाइस सबसे अच्छी बात जो है यहाँ की विकास पेट शॉप की यही है कि आपको यहाँ पर प्योर ब्रीड डॉग्स मिलने वाले हैं। आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है कि बाद में यार ब्रीड जो है कुछ और ना निकला है, बिल्कुल 100% आपको प्योर ब्रीड डॉग्स मिलेंगे। और लैब्रा का ये पब देख रहे हैं आप कितना अच्छा है। और क्या प्राइस रेंज होने वाली है भैया इसकी? ये आपको 12,000 का मिल जाएगा। आपको सिर्फ 12,000 रुपये का मिल जाएगा यहाँ से लैब्रा का पब, काफ़ी अच्छे कलर के अंदर जो है ये वाला पब है। और 12,000 में आप लोग कह रहे होंगे कि महंगा है, बट डॉग हम लेते हैं एक ही बारी और उस टाइम जो है प्योरेस्ट ब्रीड जो आपको मिल जाए तो उससे अच्छी बात कुछ नहीं होती है। तो ये हम भी सबको समझाते हैं तो कि बजट इश्यू मत रखो, चीज़ अच्छी मांगो तो हमें भी देते हो अच्छा लगता है। तो 12,000 रुपये का आपको लैब्रा का ये वाला पप मिल जाएगा। इसके बाद भैया के हाथ में है बीगल, उसको भी लेके काफ़ी शोर मचा रहा था ये बड़ी देर से बीगल। और कितने टाइम का है भैया अभी ये हो रहे हैं? 42 डेज के हो गए अप्रॉक्सीमेटली। आप इनकी क्वालिटी देख सकते हैं, सिर्फ 42 डेज के हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। फेस वगैरह देख सकते हैं, ठंड बहुत है आजकल तो थोड़ा काफी। ये देखिए इसका फेस वगैरह देख सकते हैं, इसकी साइड से क्वालिटी आप देख सकते हैं। तो काफी अच्छी ब्रीड के हैं ये वाले पपीज जो है। देखिए एक और है वहाँ पे बीगल हमारे पास, तो एक बीगल और आ गया। तो काफी अच्छी वेरायटी है डॉग्स की भी, मगर ये है की अभी थोड़ा ठंड है तो कमी डॉग्स दिखाएंगे, थोड़ा कवर में रखे हुए हैं जस्ट बिकॉज की ठंड है तो इसलिए ज्यादा दिखाना भी, और बाहर निकालने में बीमारी वगैरह का डर लगा रहता है। तो ये जो पप्स हैं बीगल के ये 40 to 42 डेज के हैं, काफ़ी एक्टिव वाले बच्चे भी मिल जाएंगे जैसे कि मेरे हाथ में, रुक के राजी नहीं हो रहा। और कितने का बताया भैया ये? ये आपको मिल जाएगा 18,000 का मेल, और फीमेल आपको 12,000 की मिल जाएगी इसकी। तो 18,000 का आपको मेल मिल जाएगा और फीमेल जो है 12,000 की मिल जाएगी, काफ़ी अच्छी प्राइस रेंज है। मेन बात जो है प्योरिटी वाली है, प्योर ब्रीड्स के ये डॉग्स होने वाले हैं जितने भी पपीज होने वाले। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको वेल ट्रेन डॉग्स भी मिल जाएंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ गोल्डन रिट्रीवर का ये डॉग, और कितनी एज होगी भैया इसकी? इसकी 7 महीने के अराउंड है। तो गाइस ये 7 मंथ्स का जो है ये पपी कहेंगे इसको भी। और भैया कुछ ट्रेन दिखाओ, कैसी ट्रेनिंग हुई भी? जैसे आप देख रहे हैं शेक हैंड भी आ गया है और सिट करना भी आ गया है, तो काफी वेल ट्रेंड हो गया। और भैया क्या प्राइस होने वाला है इसका? सेकंड इसका 12,000 में मिल जाएगा। तो आपको गोल्डन रिट्रीवर ये 12,000 में मिल जाएगा, वेल ट्रेंड। मेल है फीमेल? ये फीमेल है। सो ये फीमेल है, और अगर मेल पप लेना हो गोल्डन रिट्रीवर का? हमारे पास बड़े में काफी आते रहते हैं, वो ये कि एट अ टाइम पे अवेलेबल नहीं होते, तो बाकी जो जो आएगा आपको अवेलेबिलिटी सारी। डॉग्स तो आपको कई सारे दिखा दिए हमने, अब हम आ गए हैं कैट्स के ऊपर। कैट्स जो है वर्ल्ड में सेकंड फेमस जो पेट माना जाता है डॉग्स के बाद, तो कैट्स की भैया क्या क्या वैरायटी रहेगी? तो आज मैं आपको पर्शियन कैट्स में किटन्स में काफी वैरायटी दिखाने वाला हूँ। बेसिकली किटन तो अभी हमारे पास एक सिंगल ही है, बाकी कैट्स में आपको दिखाऊंगा कैट वगैरह।
देख सकते हो कितनी प्यारी है ये। अलग अलग कंट्रीज की पर्शियंस आपको दिखाएंगे, काफी वैरायटी दिखाने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए। आपको दिखा रहे हैं ये वाली कैट, भैया इसके बारे में बताओ। जी, ये आपको लाइट गोल्डन कलर में पर्शियन कैट है ये, आप देख सकते हैं इसको, एक बार थोड़ा सा घुमा के दिखा दो उस साइड, लेफ्ट साइड से। थोड़ा सा कैट थोड़ा सा पसंद नहीं करती गोदी में रहना, इसलिए थोड़ा सा ऐसे रिएक्ट कर रही है। एक बार छोड़ दो, टेबल पे छोड़ो, आप क्लियरली देख सकते हैं इसकी मतलब वगैरह। और ये सारी जो जो आपको ब्रीड सिखाएंगे 100% ओरिजिनल जेन्युइन ब्रीड होगी। तो गाइस यहाँ पर जैसे भैया बता रहे हैं आपको, बिल्कुल 100% ओरिजिनल ब्रीड मिलने वाली है। और जैसे आप देख रहे हैं काफ़ी एक्टिव रहती हैं, बर्ड्स के साथ खेल रही है ये वाली कैट। और क्या प्राइस रेंज रहती है भैया जनरली कैट्स की? देखिए बेसिकली क्वालिटी पे डिपेंड करता है, हमारे पास कैट्स में 10-12 हज़ार से लेके 20-25 हज़ार तक की वैरायटी है। शॉर्ट कोटेड में पर्शियन है, अभी थोड़ा सा खेलने के मूड में है, आप इसको कवर कर लीजिए। और आप ये देखिए, फिर ये डबल फर में पर्शियन है, ये वाइट वाली इसको छोड़ दो एक बार, ये वाइट वाली अभी आपको सिंगल फर में मैंने दिखाई, अब आप ये देखिए डबल फर में, ये थोड़ी सी आप इधर से दिखाओ। और क्या प्राइस रेंज आएगी भैया? देखिए मैं फिर से बताना चाहूंगा, आप प्राइस रेंज फिक्स नहीं होती किसी भी पेट की, क्वालिटी पे डिपेंड करती है उसकी। 10 हज़ार से शुरू है, बाकी 20-25 हज़ार तक की अवेलेबिलिटी हो सकती है, इट्स ऑल अबाउट उसकी क्वालिटी कैसी है। बेसिकली जो बताने वाली बात यह है कि क्वालिटी पे डिपेंड करता है। जी, जी। और 10 हज़ार से लेकर 20-25 हज़ार तक की कैट्स जो है ये रेंज रहती है, प्राइस रेंज रहती है। और इसके अंदर बहुत सुंदर सुंदर कैट्स मिल जाएंगी आप सबको। तो इसके बाद क्या वैरायटी दिखाने वाले हो, क्या पेट दिखाने वाले हो? अब मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ एक रेप्टाइल्स दिखाना चाह रहा हूँ और कुछ एक रोडेंट्स। तो नेक्स्ट जो हम आपको रेप्टाइल्स दिखाने वाले हैं, तो चलते हैं रेप्टाइल्स की तरफ। सो नेक्स्ट आ चुके हैं हमारे रेप्टाइल्स, जैसे आपको बताया था, और दोनों तरफ से मैं घिर चुका हूँ रेप्टाइल से। और क्या ब्रीड है, क्या स्पीशीज है, कुछ बताओ हमारे लिए। ये है ओरिजिनल ग्रीन इगुआना है ये हमारे पास अवेलेबल। तो ये ग्रीन इगुआनाज हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं ये, और ये पेट्स हैं और कम्प्लीटली सेफ है। कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि यार ये रिस्की लग रहे हैं, काट ना ले, तो इन्हें क्या खिलाएं। देखने में जो है ये खतरनाक लगते हैं, बट एक्चुअल में ये उतने खतरनाक नहीं है, कम्प्लीटली सेफ है। एक फैमिली पेट के तौर पे आप इनको घर पे रख सकते हैं। और क्या इनका प्राइस होने वाला है? ये आपको इस टाइम इनका रेट 12,000 रुपीज़ चल रहा है, और पहले से प्राइस ड्रॉप हुआ है, काफ़ी सस्ता प्राइस मिल रहा है। पहले मार्केट के अंदर 30-35 हज़ार के अंदर आपको मिल रही थी इगुआनास, और अब सिर्फ 12,000 के अंदर आपको ये मिल जाएंगे। सकते ये भी कह सकते हो कि इस वीडियो जो जो देख के आएंगे उनके लिए स्पेशल ऑफर है, या आप ये भी कह सकते हो। तो हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए ऑफर है, तो जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जो ये स्पीसीज है ये खाती क्या भैया? हाँ ये मेजर क्वेश्चन है जो आता है काफ़ी कस्टमर्स की तरफ से। तो देख के तो ऐसा लग रहा है कि नॉन वेजिटेरियन है। नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, सबसे बड़ा ये लोगों के मन में ये रहता है। तो ये मिथ है कि ये नॉन वेजिटेरियन है, कम्प्लीटली वेजिटेरियन वेजिटेरियन रहती है ये स्पीसीज। और क्या क्या खा लेते हैं ये? ग्रीन पत्ते वगैरह खाते हैं, जैसे हो गए पालक के पत्ते, हो गए धनिया, हो गया अच्छा शिमला मिर्च वगैरह खा लेते हैं। तो मतलब कोई ऐसा इनका कोई ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं है, खाओ वो इनका फूड भर के रख दो। पर हाँ ये सर्दियों में इनका सीजन कम होता है, इसलिए आज हमारे पास सिर्फ दो ही इगुआना है। अच्छा। ये काफ़ी बड़े बड़े भी होते हैं, इनका ब्राइट ग्रीन कलर होता है। मैक्सिमम जो साइज क्या कितना हो जाता है ये? 6.5 फिट के अराउंड भी जा सकता है। तो 6.5 फिट के अराउंड भी ये जा सकती है। और एज क्या रहती है भैया इनकी? 15-20 साल के अराउंड रहती है। तो 15-20 साल अराउंड रहती है एज, और काफ़ी अच्छी स्पीसीज लग रही है मुझे ये। और घर में जो है ये इजी गोइंग रहती हैं या फिर केयर ज़्यादा करनी पड़ती है? नहीं इनकी कोई केयर नहीं करनी है आपने, बस आपको धूप आ रही है अगर आपके घर के आसपास धूप है तो वहाँ इन्हें रख दो, बस धूप से सबसे ज़्यादा ये खुश रहते हैं। तो अगर जैसे इन दिनों कहीं आप देख रहे हो धूप नहीं आती सुबह, तो यूवी बल्ब वगैरह लगाने पड़ते हैं। अच्छा। बल्ब वगैरह इनके एकदम अंदर जो एक्वेरियम टाइप ग्लास में रखते हैं ना हम लोग। अच्छा अच्छा। तो उसमें फिर वो लगा के रखते हैं ताकि इनको हीट प्रॉपर मिलती रहे। तो कम केयरिंग मतलब आपको कम केयरिंग पेट मतलब लेना हो तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, और काफ़ी अफोर्डेबल भी है। जैसे भैया बता रहे हैं फूड वगैरह का इतना कोई खर्चा नहीं रहता, जो आप घर में खाना खाते हैं उनमें से हरी सब्जियां सारे ये लोग खा लेते हैं। और सिर्फ 12,000 के अंदर सबसे कम रेट जो है मार्केट के अंदर यहीं पर मिल रहा है आपको, 12,000, और हमारे सब्सक्राइबर्स को मिल रहा है। तो इसके बाद क्या दिखाओगे? इसके बाद फिर आपको रोडेंट्स वगैरह दिखाते हैं। तो इसके बाद देखते हैं रोडेंट्स वगैरह, जैसे भैया बता रहे हैं काफ़ी स्पीशीज़ हैं भैया के पास, बर्ड्स हैं फिशेज हैं, मैं आपको सब कुछ दिखाता हूँ इस वीडियो के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। तो भैया आप आ चुके हैं दूसरे सेक्शन पे, तो क्या क्या दिखाने वाले हैं? तो यहाँ पे आपको मैं सबसे पहले तो रैबिट्स दिखाना चाहूँगा, रैबिट्स आप देखिए। तो ये है रैबिट्स,
और कैसे भैया ये इजी गोइंग होते हैं पेट्स हैं या सबसे इजी गोइंग है और सबसे चीप एंड बेस्ट पेट है मैं कहूंगा आपको। तो जैसे भैया बता रहे हैं चीप एंड बेस्ट पेट के अंदर जो है रैबिट्स की काफी अच्छी गिनती है। ब्लैक वाले देखिए कितना सुंदर कोई इनसे कोई हार्म नहीं होता। कई बार लोग सोचते हैं ये बिल्कुल सेफ है कम्प्लीटली सेफ है। अब देखिए ये वाला कितना प्यारा है। ये बेसिकली ड्वार्फ रैबिट में आता है। अच्छा। ये छोटे साइज वाले रहते हैं ज्यादा बड़े नहीं होते जैसे वो थोड़े से बड़े छोटे साइज में रहने वाले। देखिए इसकी लुक्स देखिए कितनी प्यारी है। और क्या प्राइस रेंज रहता है रैबिट्स का? रैबिट्स का ये 1000 का पेयर होता है अप्रोक्सीमेटली। 1000 का पेयर मिलेगा आपको और पेयर में लेते हैं अकेला नहीं पता है नहीं आप वही आप फिर आपको इंटरेक्शन उसके साथ करनी पड़ेगी प्रॉपर। सो गाइस इसके लिए जैसे भैया बता रहे हैं अगर आप लेस इंटरेक्शन रखना चाहें तो 1000 के अंदर आपको पेयर मिल जाएगा, दो रैबिट्स मिल जाएंगे और काफ़ी अफोर्डेबल रहते हैं, काफ़ी कम खर्चा रहता है इनका। इनका कोई खर्चा ही नहीं मतलब और बचा हुआ भी कई लोग घर का बचा हुआ भी खिला दो तो खा लेते हैं। तो जैसे भैया बता रहे हैं घर का बचा हुआ भी सब कुछ खा लेते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह हो गए एप्पल वगैरह तो सब कुछ खा लेते हैं। इसके बाद की आपको ये हैमस्टर्स में हैमस्टर्स आ गए हैं ये और काफ़ी क्यूट लग रहे हैं, वाइट ग्रे कलर के हैं। और भैया ये क्या खाते हैं? इनके फूड के सीड्स आते हैं और खीरे वगैरह भी खा लेते हैं ये। तो इनके फूड सीड्स आते हैं इस तरह से कह सकते हैं सब कुछ खा लेते हैं। अच्छा तो घर का भी खा लेते हैं बाजरा वगैरह सब खा लेते हैं ये और काफ़ी क्यूट लग रहे हैं ये। और कितने के होने वाले हैं ये जो इसका पेयर हम आपको दे देंगे 4000 का पेयर। तो 4000 का पेयर मिलने वाला है और काफ़ी क्यूट लग रहे हैं, काफ़ी अच्छे पेट्स लग रहे हैं ये भी। और इनको भैया रखा कैसे जाता है? खुला रखा जाता है? आप ऐसी एक काइंड ऑफ आप स्पेस में कुछ बेडिंग इनकी है प्रॉपर बेडिंग है। सो जैसे कि आप ये देख रहे हैं ये शिट और यूरिन अब्सॉर्ब करती है। अच्छा। और इसमें पानी आप इस ऐसे बाउल में भर के रख दीजिए और फूड इसको डाल दीजिए, लिमिटेड अमाउंट में खाएंगे बाकी फिर भी अगर बच जाता है तो आप उसे हटा दीजिए। जैसे अभी खा चुके हैं तो हमने फूड हटा दिया यहाँ से। अच्छा तो ये आप खा चुके हैं तो फूड हट चुका है यहाँ से और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं वाले पेट्स भी, काफ़ी क्यूट से हैं। और 4000 का पेयर 4000 का आपको पेयर मिलने वाला है। इसके बाद बर्ड्स दिखाओ या कुछ बर्ड्स मैं आपको दिखाता हूँ। भाई लोग बर्ड्स को रखना काफ़ी पसंद करते हैं तो उनके लिए बर्ड्स हैं। और ये भैया क्या ब्रीड होगी? ये लव बर्ड्स हैं। ये लव बर्ड्स हैं तो लव बर्ड्स आ चुके हैं हमारी वीडियो के अंदर भी। और लव बर्ड्स जो हैं ऑब्वियसली कपल ही रखना पड़ेगा इसको। जी जी तो लव बर्ड्स साथ ही से। और ये भी लव बर्ड्स हैं, दोनों लव बर्ड्स हैं भैया के पास, 4 लव बर्ड्स हैं। और क्या प्राइस रेंज रहने वाला है इनका? पेयर आपको मिल जाएगा 3500 का, 3500 का पेयर मिल जाएगा। और जो ये इनका भैया केज है ये कितने का मिल जाएगा? जो ये वाला केज है तो नॉर्मल सा केज है, ये आपको 500 रुपये का मिल जाएगा। तो सिर्फ 500 का मिल जाएगा। इसके अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं पानी का अंदर बना हुआ है और ये इनके खाने का बना हुआ है। हमें इसके केज की ट्रे है शिट और यूरिन आने के लिए, ट्रे भी बनी हुई है शिट और यूरिन के लिए। काफ़ी अच्छी कलेक्शन रखे हुए हैं पेट्स की और उनकी एक्सेसरीज भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और कुछ ऐसी बर्ड्स भी दिखाओ ये कैसी बर्ड्स? ये बजीज है, बजीज ये बजीज है, बर्ड्स हैं ये भी सबसे कह सकते हो सबसे चीप एंड बेस्ट है। तो काफ़ी अच्छी वैरायटी, काफ़ी सारे कलर्स और सारी वैरायटी मिल जाएगी आपको यहाँ पर, काफ़ी सारे कलर हैं इसके अंदर जो आपका फेवरेट कलर हो। ये भी भैया 2-3 दिन रखनी पड़ती है इसका? हाँ ये दो बर्ड्स तो आप मेरे हिसाब से सिंगल रखने सकते हैं, 2-3 रखें तो रैबिट के साथ खेल सकते हैं मगर बर्ड्स के साथ थोड़ा खेल सकते हैं। तो बर्ड्स को आपस में खेलना ज़्यादा पसंद है तो 2-3 बर्ड्स तो आप कम से कम रखें ही। और क्या प्राइस रेंज रहने वाली भैया इसकी? 400 से 500 रुपये तक का जोड़ा मिलता है। 400 से 500 तक का आपको मिल जाएगा जोड़ा बर्ड्स का। और केज जैसे भैया ने बताया 500 रुपये से स्टार्टिंग हो जाती है और जैसी आप वैरायटी चाहें सारी वैरायटी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। इसके बाद हम देखते हैं कुछ एक्सेसरीज डॉग की और डॉग फूड के ऊपर जो डिस्काउंट मिलने वाला है उसके बारे में पूछते हैं भैया से। तो चलते हैं आओ एक्सेसरीज की सेक्शन की तरफ, छोटे से ब्रेक पर। तो हमें क्या दिखाने वाले? फिशेस। फिश दिखाने वाला हूँ तो आपको दिखाने वाले हम फिशेस। और बेसिक फिशेस जो है ये वाली होने वाली है आपको यहाँ पर मिलने वाली जो। और क्या प्राइस रेंज रहेगी भैया इसकी? ये सर 20 रुपये का पीस है। तो 20 रुपये की एक फिश मिलने वाली है। और क्या ब्रीड कहते हैं इसे भैया? ये ब्रीडो फिश है सर। ब्रीडो फिश? हाँ जी ये ब्रीडो फिश है और आपको 20 रुपये की एक मिलने वाली है। काफ़ी सस्ती मिल रही है फिशेज। और ये कौन सी फिश? ये पैरट फिश है, रेड पैरट है, इसमें येलो पैरट है। ये रेड पैरट और येलो पैरट फिश दिखा रहे हैं, एक वाइट भी है और पिंक भी है। सारे पैरट आपको फिश वाले मिल जाएंगे यहाँ पर। और क्या प्राइस रेंज आने वाला है सर इसमें? रेड वाला आपका 250 रुपये का सिंगल पीस है और येलो वाला 250 की मिलने वाली आपको ये रेड वाली। और येलो वाला 300 रुपये का सिंगल पीस है। येलो पीछे है थोड़ी और वो 300 रुपये का सिंगल पीस आ गई है दिखाने के लिए कि मैं 300 की हूँ।
और ये 300 की होने वाली है। वाइट वाली कितने की मिलेगी भैया? वाइट सर 250 का, 250 का सिंगल पीस है। तो ये वाइट वाली 250 की होने वाली है और आपको काफ़ी अच्छी वैरायटी मिल जाएगी फिशेस की। और एक ये फिश है, काफ़ी निराली सी दिख रही है जैसे कि आप देख सकते हो। और ये चाइना का भगवान होता है, भगवान माना जाता है ना, चाइना का भगवान माना जाता है। फ्लावर हॉर्न फिश है ये वाली। क्या नाम है भैया? फ्लावर हॉर्न। फ्लावर हॉर्न फिश। तो काफ़ी अच्छी फिश है ये, जैसे कि कुछ डिफरेंट दिख रही है। और कितने की होने वाली भैया? ये आपको 3000 रुपये का सिंगल पीस पड़ जाएगा सर इसका। 3000 रुपये का, वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट लग रही है मुझे तो, 3000 का सिंगल पीस। और क्या एज रहती है भैया इन सबकी? इसकी 12 से 13 साल। 12 से 13 साल जो है इनकी एज रहती है फिशेस की। और इसके बाद क्या दिखाओगे भैया? इसके बाद ये पैरट फिश है, ये बड़े साइज की पैरट फिश है। तो ये बड़े साइज़ की पैरट फिश भी मिल जाएगी आपको, पहले छोटी दिखाई थी, यहाँ पे आपको फुल साइज़ की भी मिल जाएंगी। काफ़ी बड़ी बड़ी फिशेज हैं यहाँ पर। और ये क्या प्राइस रेंज में रहने वाली है? ये मिल जाएगा सर 1500 का पेयर मिल जाएगा, बड़ी साइज 1500 का पेयर मिल जाएगा आपको पैरट फिशेज का यहाँ पर। और काफ़ी वैरायटी है, सारी वैरायटी नहीं दिखा पाऊँगा मैं आपको। और ये चिकलेट फिश है सर, चिकलेट फिश कहते हैं इसे। और ये कितने की होने वाली है? 400 का पेयर है, इसमें 550 का पेयर है। 450 का पेयर है। और इसके अलावा जो भैया आपके पास एक्वेरियम्स भी मिल जाएंगे? हाँ, तो अगर आप पूरा सेट बनवाना चाहे एक्वेरियम का तो यहाँ पर वो भी बन जाएगा। प्राइस रेंज जो है वेरी करती है, छोटा लो, बड़ा लो या सबसे बड़ा लो। तो काफ़ी अच्छी वैरायटी है फिशेस के लिए भी, और यहाँ पर फिशेस का फूड भी मिल जाएगा। और लास्ट में आपको दिखा देता हूँ एक एक्सेसरीज, जो मैंने आपको पहले बोला था डॉग्स की एक्सेसरीज भी यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी वैरायटी मिल जाएगी। डॉग फूड भी मिल जाएगा, शैम्पूज, मेडिसिन सब कुछ मिलने वाला है। तो दिखाता हूँ आपको एसेसरीज कैसी कैसी है। बताते हैं यहाँ पर पेट्स की सारी एसेसरीज भी मिलने वाली हैं। तो एसेसरीज से स्टार्ट करते हैं। बेसिक जो चीज़ रहती है लीश और कॉलर रहता है, और सबसे सस्ता यही है। हाँ, ये सबसे सस्ता है, 125 रुपये का पूरा सेट। तो यहाँ पर आपको 125 से स्टार्टिंग हो जाएगी लीशेज की विद कॉलर। और काफ़ी अच्छी वैरायटी है, जैसा आप चाहें ब्राउन कलर, ऑरेंज कलर, ग्रीन कलर, रेड कलर, पिंक कलर, सारे कलर्स की मिल जाएगी। और आपका अगर बिग ड्रॉप बिग ब्रीड है तो आपको चेन वाली लीशेज भी मिल जाएंगी यहाँ पर। तो ये क्या प्राइस रेंज की रहती है भैया? चेन का रेंज का 150 रुपये का आपका, 150 के अंदर आपको मिल जाएगी चेन वाली। और काफ़ी अच्छी वैरायटीज़ हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं लीशेज की भी। इसके अलावा आजकल सर्दी चल रही हैं तो जैकेट भी मिल जाएंगी आपको, काफ़ी अच्छी वैरायटी है जैकेट्स की भी। आपको यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है 8 नंबर से लेकर ये साइजेज होते हैं, और जो टॉप ब्रीड सबसे बड़ी ब्रीड होती है उनको होता है 30 नंबर। तो 8 नंबर से लेकर 30 नंबर के अंदर आपको जैकेट्स, कोट्स मिल जाएंगे विंटर के। और क्या प्राइस रेंज होने वाली है इनकी? सर इनका आपका ये 250 रुपये से स्टार्टिंग है इसका, 250 रुपये से स्टार्टिंग होने वाली है इन कोट्स की। और एक सैंपल दिखा देता हूँ आपको, काफ़ी क्यूट से हुड वाले होने वाले हैं ये। और ये पग पग जैसी ब्रीड का होने वाला है, पग जैसे सिरजी हो गए, लासा हो गए, इन सब के लिए यूज होता है ये वाला। ये काफ़ी अच्छा लगता है, क्यूट क्यूट पीसेज मिल जाएंगे। और ये कितने के होने वाले हैं? ये 250 रुपये का पड़ेगा, सिर्फ 250 रुपये का होने वाला है आपका ये वाला पीस। और काफ़ी अच्छी वैरायटी है इसके अंदर भी। आपको मिलिट्री डॉग, अगर आपका डॉग को मिलिट्री उसका दिखाना है तो एक मिलिट्री वाली जैकेट भी मिल जाएगी। काफ़ी अच्छी वैरायटी रखी हुई है भैया ने अपने पास। और ये भी छोटे पक का है और छोटी ब्रीड का है। और ये कितने का होने वाला है? ये 225 रुपये का सर, ये वाला सिर्फ 225 का। मार्केट के अंदर 500-500 रुपये की ये जैकेट्स बिक रही हैं आपको, सिर्फ 225 और 250 की रेंज के अंदर। काफ़ी अच्छी वैरायटी मिल रही है। और बिल्कुल लास्ट ब्रीड जो होती है, बिल्कुल बिगेस्ट ब्रीड जो हो गई, उस ब्रीड का जो है कितने का मिलने वाला है? ये 550 का पड़ेगा सर, सबसे बड़ा साइज़ का। सबसे बड़ा साइज़ जो है आपको 550 का मिलने वाला है। इसके अंदर भी आपको हुड मिल जाएगा। तो बिल्कुल ऑल इन ऑल जो है लेटेस्ट जो है एसेसरीज आपको यहाँ पर मिलने वाली है विद योर स्लोगन्स। काफ़ी अच्छे अच्छे स्लोगन्स, फनी स्लोगन्स भी मिलने वाले हैं इनपे। तो इसके बाद आपको दिखाते हैं हम डॉग फूड। काफ़ी अच्छे रेटों पर आपको यहाँ पर डॉग फूड भी मिल जाएगा और सारे पेट्स का जो है फूड मिल जाएगा। तो एक बार आपको नज़र दिला देता हूँ डॉग फूड के ऊपर। यहाँ पर आपको सारी वैरायटी मिल जाएगी। आपको कैट्स का फूड मिल जाएगा जैसे कि मैं दिखाना चाहूँगा, इसके बाद डॉग्स का फूड मिल जाएगा, और सभी टॉप ब्रांड्स के यहाँ से आपको मिलने वाले हैं। जैसे कि ये कैट का फूड है, ये भी एक कैट का फूड है, और ये टॉप ब्रांड्स जो हैं डॉग के रहेंगे। सारे ब्रांड्स की सारी पैकिंग, छोटी से छोटी, बड़े से बड़ी, सारी पैकिंग मिलने वाली है आपको। और क्या जो भैया आप हमारे व्यूअर्स को, हमारे सब्सक्राइबर्स को जो आप क्या डिस्काउंट देने वाले हो? 10% डिस्काउंट मिल जाएगा आपको सर इसमें। तो 10-15% जो है MRP पे आपको हमारे व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर्स को डिस्काउंट मिलने वाला है। काफ़ी अच्छी वैरायटी है, सारे टॉप ब्रांड्स जितने हैं 10-15 सारे ब्रांड्स का आपको यहाँ पर फूड मिलने वाला है। इसके अलावा आपको स्नैक्स भी मिल जाएंगे। मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पर चू स्टिक्स मिल जाएंगी, छोटे बड़े बिस्किट, सारे तरीके के बिस्किट भी मिल जाएंगे आपको। और ये भी सारे जो मार्केट के हिसाब से है सब बेस्ट रेट मिलने वाला है। 100 रुपये से स्टार्ट हो जाता है बिस्किट का पैकेट। और बड़े से बड़ा कितने का मिल जाएगा? बड़े से बड़ा 150 का पे 100-150 के अंदर जो है आपको पैकेट मिल जाएंगे बिस्किट्स के।
और अगर आपको ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स चाहिए अपने पेट के लिए तो वो भी मिल जाएंगे यहाँ पर, शैम्पूस और अपना लोशंस ये सब कुछ मिलने वाला है यहाँ पर, और मेडिसिन भी चाहिए हो तो क्लिनिक साथ में है आपको वो भी मिल जाएंगी, और सब कुछ मिलने वाला है कंटेनर से लेकर, और शैम्पूज वगैरह पे भी अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा हमारे सब्सक्राइबर्स को। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पर एंड करते हैं, और ऐसी और भी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करो मेरा चैनल देसी ऑटो वाला। एंटिल देन स्टे ट्यून्ड।